नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बीजेपी कहां चुकी? दरअसल ये सवाल हम इसी वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में तृणमूल कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। रविवार को आ रहे नतीजे में दोपहर तक ही ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ममता बनर्जी को चुनावी जीत पर बधाइयां मिलना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने ममता को अब तक बधाई दी है। बंगाल के अलग अलग इलाकों से जब जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी तो कई जगह टीएमसी के समर्थक सड़कों पर उतर आए, जबकि कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने जश्न पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी यहां ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो लगातार ये आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 6 राउंड की जब तक मतगणना हुई थी तो तब तक तो शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, नंदीग्राम जो हॉट सीट कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद से ये भी देखने को मिला कि 7वें राउंड के बाद से ही अब ममता बनर्जी आगे होने शुरू हो गई। अब देखना ये होगा कि वाकई में अब इसके बाद से अगला दाव बीजेपी की तरफ से क्या रखा जाएगा। और ये तस्वीरें भी हम आपको देखे दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता, जो समर्थक है, वो सड़कों पर उतर करके और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर अब चुनाव आयोग ने भी एक्शन लेने की बात कर दी गई है, क्योंकि पहले ही कोरोना काल के चलते इस तरीके से जश्न मनाने के लिए मना किया गया था, लेकिन फिर भी टीएमसी की तरफ से जश्न मनाना नहीं रोका गया। और इसी पर अब अधिक चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान, प्रशांत झा जी जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है और साथ ही बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका दोनों का वीआईपी न्यूज में। कुंदन कृतज्ञ जी, हम सवाल सुबह से यही कर रहे हैं कि अगर ये जो पूरा सियासी माहौल रचा गया था एक तरीके से बीजेपी की ओर से, और कोशिश यही थी बीजेपी की कि इस बार कहीं ना कहीं 100 के आंकड़े को ही नहीं बल्कि 200 के आंकड़े को छूना है, लेकिन कहां चूक रही है बीजेपी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया था 200 के सीटों का, अब उसमें जो स्थिति सामने निकलकर आ रही है, 205 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी महज 85 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इसका अगर आज की तारीख में, आज के समय में विश्लेषण करें तो कई सारी बातें हैं जिन बातों को लेकर ममता बनर्जी जनता की पसंद बनकर उभरी है, और कई सारी स्थितियां हैं जिनकी वजह से बीजेपी को लोगों ने उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे पहली बात आपको बता दें कि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता बरकरार रही है पश्चिम बंगाल के वोटर्स के बीच में। बाहरी और बंगाली के बीच का जो एक अंतर काटने की कोशिश की गई थी, उस अंतर को ममता बनर्जी ने बहुत हद तक अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। मां माटी मानुष की जो बात की थी, वह स्थिति इन वजहों से भी ममता जनता की पसंद बनकर निकली। और इसके अलावा ओबीसी और पीर ज्यादा, ये दो फैक्टर्स थे जिस फैक्टर्स पर भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा था कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा और मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले में न जाकर इन लोगों के पाले में जाएंगे और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ बंगाली स्पिता सुनार बांग्ला की जो बात कही गई थी, वह भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई दिखी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रैटेजिकली मिस्टेक किया है, उसके लिए वह खुद से ही जिम्मेदार है। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने अपने एक राजनीतिक रैली में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि शांति निकेतन बता दी थी, और इस बात को टीएमसी और ममता बनर्जी ने इतने जोर से लपका था, उन्होंने इसे बाहरी वर्सेस बंगाली मुद्दे के साथ कोलैबोरेट कर दिया और यह बताने की कोशिश की कि जिसे इस जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के अध्यक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि शांति निकेतन नहीं है, वह बंगाल का विकास कैसे करेगा, वह बंगालियों के विकास की बात कैसे करेगा। और इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द स्थिति देखिए, 205 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे निकल रही है। और मैं क्रेडिट दूंगा पीके को कि पीके ने जिस तरीके से एक बहुत ही गंभीर और कठिन भविष्यवाणी की थी, राजनीतिक भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो मैं अपने इस करियर से
त्याग पत्र दे दूंगा, मैं अपना यह करियर छोड़ दूंगा। और साथ टीके की वह भविष्यवाणी सत्य होती दिख रही है और ऑल क्रेडिट गोज टू ममता दीदी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी का वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मजाक उड़ाया, दीदी ओ दीदी, दीदी वापस जाओ, दीदी अब नहीं चलेगी, दीदी को लेकर जिस तरीके से मजाक उड़ाया उसको भी वहां की जनता ने बहुत कह सकते हैं गंभीरता से लिया है और उस गंभीरता का जवाब अपने वोटों के आधार पर दे दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जहां एक तरफ खड़ी थी वहीं पर ममता बनर्जी को केवल और केवल अगर साथ मिला किसी का तो प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजिकली ममता बनर्जी को समय समय पर दिशा निर्देश दिए, ममता बनर्जी को सलाह दी और आज उसका नतीजा यह है कि ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापस आती हुई दिख रही है। सिर्फ ठीक है, कुंदन जी बने रहिएगा हमारे साथ, प्रशांत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत जी, सवाल यही है कि क्या वाकई में अगर मतुआ कम्युनिटी की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करते हैं, महिलाओं की, क्योंकि 5M फैक्टर इस बार बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो जो साइलेंट वोटर्स कही जाते हैं महिलाएं, क्या उनके तरफ से भी दमखम दिखा और एकजुट तो ममता बनर्जी शुरू से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के चलती रही हैं, तो क्या ये भी एक वजह मानी जा रही है जिस वजह से टीएमसी एक बार फिर से यानी कि हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो करिश्मा था उस करिश्मे को थोड़ा सा साइड कर दें तो पिछले दो टर्म से जिस तरह से उन्होंने वहां पर मुस्लिम वोट को एक तरह से उन्होंने पोलराइज किया था अपनी पार्टी में और तमाम जो पार्टी के बड़े पद थे जो स्थानीय लेवल पर थे, लोकल लेवल पर थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया था और ऐसे लोगों को दिया था जिसको बंगाल के विकास से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा का सीधा मकसद था कि वह अपनी पार्टी टीएमसी को कैसे मजबूत करता है, यानी जो पूरी तरह से बंगाल के चारों तरफ जो जितने जिले हैं तमाम जिलों में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता लेफ्ट कार्यकर्ताओं को मार के भगाने के बाद जब अपनी पहुंच बना लिए थे, अपनी जड़ें मजबूत कर लिए थे, उस जड़ को खोद पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी वहां पहुंचना चाह रही थी। इससे आपको याद होगा कि बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी के पाले में फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो बीजेपी 3 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ी थी और 3 सीट जीतकर वो विधानसभा में मौजूद थी, सिर्फ वो प्रतीकात्मक मौजूदगी थी उसकी, आज उस जगह पर बीजेपी अगर 86 सीटों को जीत कर आती है जो अभी तक के रुझान के हिसाब से हैं कि 86 सीट लेके आती है तो 83 सीट वो फायदे में है, उसका कहीं से नुकसान नहीं है। सरकार बनाने की जहां तक बात है तो इनकम्बेंसी फैक्टर जो है इस बार ममता बनर्जी के साथ नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जो वोटों को अपने पाले में किया उसके लिए जो उन्होंने रणनीति और व्यूह की रचना की थी उस व्यूह में वो सफल हो गई, बीजेपी भी एक तरह से सफल हो गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो लेफ्ट पार्टियां हैं जिनका खाता तक नहीं खुला। अब आप समझ लीजिए पूरे बंगाल की राजनीति को कि बीजेपी भी वहां पर अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रही है, जो बीजेपी विधानसभा के अंदर 3 सदस्य के साथ मौजूद थी आज उसके वहां पर जो अभी तक के रुझान है उसमें 286 माने उसके 86 सदस्य होंगे, यानी 83 सदस्यों की बढ़त मिली है उसको, ये छोटी बात नहीं है, खास करके उस राज्य में जिस राज्य में लेफ्ट का पहले से बढ़त था, जिस राज्य में कांग्रेस पहले से मजबूत थी, जिस राज्य में टीएमसी का वहां पर पग पग पर एक एक उसका अपना ब्रांच ऑफिस बना हुआ था, मल्टीनेशनल का वो ब्रांच ऑफिस था जहां उसके कार्यकर्ता डंडा लेके खड़े थे कि कौन वोट देगा, किसके पक्ष में देगा, वो सारा हिसाब किताब रखते थे,
और ऐसे में अगर बीजेपी ने अपनी पहुंच बना ली है तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि बीजेपी को कहीं से नुकसान नहीं है। भले ही दीदी ओ दीदी का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था और जिस तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल में कैंपेन किया था, उस कैंपेन के बाद ये माना जा रहा था कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अगर जिस चुनाव में नहीं हुआ है तो इतना मानना पड़ेगा कि वहां पर जो बीजेपी के कैडर वोट थे उस वोटरों में बढ़ोतरी हुई है और ये सारे के सारे वोटर इकट्ठा हुए हैं। यही वजह है कि पूरे के पूरे 294 सीटों में से 292 के जो नतीजे आ रहे हैं, सारे जगहों पर बीजेपी ने ही ममता बनर्जी को चुनौती दी थी। तो ये आपको मानना होगा कि बीजेपी पूरे बंगाल में पहुंच गई, उसने धमक दे दी अपनी कि ममता बनर्जी अगर आपका शासन व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको सत्ता की कुर्सी से हटना पड़ेगा। और बीजेपी की जो यह स्ट्रेटेजी थी, इस स्ट्रेटेजी में बीजेपी सफल हुई है। भले ही तीसरी बार सरकार बनाने में ममता बनर्जी सफल हो गई हो, लेकिन अब ममता बनर्जी हाउस के अंदर तीन लोगों का विरोध नहीं, इससे पहले जो कांग्रेस के 74 लोग थे उनका विरोध, वो जो दबा हुआ विरोध था, लेकिन आज के तारीख में अगर बीजेपी हाउस में होगा और वो अभी तक के रुझान के हिसाब से अगर 86 सदस्य भी उसके होते हैं तो ममता बनर्जी को किसी भी फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी की तरफ देखना होगा। और वहां की जनता को भी इसका फायदा ये होगा कि ममता बनर्जी की जो तानाशाही थी, जो डेमोक्रेसी से अलग होकर वहां पर वो सरकार चला रही थी, उनमें उसमें उनको मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी चूक कहां रही थी, क्योंकि अगर अपने तरफ से कोशिशें तो तमाम की गई थी बीजेपी की तरफ से, पूरा सब जो दाव बोलते हैं कि सारे दाव उन्होंने खेल दिए थे, सारे हथकंडे अपना लिए गए थे, तो फिर चूक कहां हुई है? देखिए सुरभि, इसको समझना पड़ेगा कि हार या जीत किसी एक को होना ही होना था। और जब सारे वोटरों में जो सबसे अधिक वोटर हैं वहां पर, जो मुसलमान वोटर हैं, वो मुसलमान वोटर वो भी वहां के मूल निवासी नहीं है। आपको ये समझना होगा, जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों ने शुरुआत से, जिस तरह से वहां पर ज्योति बसु की जब सरकार थी उस दौरान से, जब उन्होंने बांग्लादेश से आए जितने प्रवासी थे उनको उन्होंने राशन कार्ड बांट करके, उनको वहां उन्होंने अनाज दे करके पार्टी का कैडर बनाया था, और उस कैडर को तोड़ के ममता बनर्जी ने 10 सालों में जिस तरह से अपना प्रभुत्व कायम किया, उसको तोड़ पाना बीजेपी के लिए मुश्किल था। क्योंकि एक ऐसे धर्म के संप्रदाय के लोग हैं जो लगातार बीजेपी के इस देश में विरोध करते हैं, और बीजेपी का विरोध का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का विरोध। आपको यह भी समझना होगा कि पूरे देश में आप देख लीजिए कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं उससे पहले ही लोगों ने जिस तरह से बधाई देना शुरू किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने कैसे एक साथ पोलराइज किया है। ठीक है प्रशांत जी, आपके पास लौटूंगी। कुंदन जी, वाकई जिस तरीके से अभी प्रशांत जी ने भी बताया कि लोगों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है, और एक और बात गौर करने वाली है कि इससे पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि चाहे कोई पार्टी क्यों ना जीते लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन टीएमसी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, वो खुलेआम इसी तरीके से जश्न मना रहे, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा बड़ी खबर वो आपसे साझा करूं। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का सबसे हॉट सीट, और पश्चिम बंगाल के इस हॉट सीट पर 17 राउंड में मतगणना होनी थी, 16 राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है, और 16वें राउंड की मतगणना के बाद 8000 से अधिक मतों से ममता बनर्जी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी सुवेंदु अधिकारी से
आगे चल रही हैं। महज एक राउंड की गिनती बची हुई है और उम्मीद यह की जा रही है कि ममता बनर्जी इस सह और मात के खेल में नंदीग्राम से चुनाव जीत जाएंगी, क्योंकि मार्जिन 8000 से अधिक वोटों का है और इस मार्जिन को शायद आखिरी राउंड में शुभेंदु अधिकारी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं आता हूं फिर आपके सवाल के जवाब पर। देखिये, तृणमूल कांग्रेस के लिए यह लड़ाई करो या मरो की स्थिति में आ चुकी थी। जिस तरीके से विपक्षी दल के रूप में अभी जो भारतीय जनता पार्टी सामने निकल कर आई है, खेला होबे की खेला शेष, इस टैगलाइन के साथ चुनाव में थी। अब जनता ने तय कर दिया है खेला होबे खेला शेष ना होबे। अब सबसे अहम बात आपको बता दें कि जो कार्यकर्ताओं के अंदर का उत्साह है, कार्यकर्ताओं कि सांसें जिस तरीके से बंधी पड़ी थी 29 तारीख को जब आठवें चरण का मतदान संपन्न हुआ था और उसके बाद जो 9 सर्वे एजेंसियों के ने अब चुनाव परिणामों के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसमें बिल्कुल कांटे का मुकाबला, कांटे का टक्कर दिख रहा था। तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक हस्तियों की सांसें बंधी पड़ी थी और वो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। अब जिस तरीके से मैं इसे तृणमूल कांग्रेस की अप्रत्याशित सफलता कहूंगा, क्योंकि एक तरफ पूरी भाजपा लगी पड़ी थी, पूरी मशीनरी लगी पड़ी थी और जिस स्तर पर चुनाव प्रचार या तमाम नेताओं का दौरा हुआ और चुनावी रैलियां हुई वहां पर अकेले ममता बनर्जी ने तमाम लोगों के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने अपनी जनता को बांधे रखा। तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, तृणमूल कांग्रेस के कैडर के लिए यह जीत अभी तक के पिछले 2 चुनाव के बाद यह बहुत बड़ी जीत है, इसके मायने निकलते हैं। और इलेक्शन कमीशन का आज की तारीख में, चुनाव आयोग का मतलब हो गया है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और जो परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल की उन परिस्थितियों में केंद्र सरकार या किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी के किसी भी आदेश को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे। हालांकि यह स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, पश्चिम बंगाल की जनता कह सकते हैं इस कोरोना संक्रमण की महामारी में खतरे में आ सकती है, लेकिन अभी वक्त इन कार्यकर्ताओं को वो चीज नहीं दिख रहा है। अभी इसीलिए शायद ये तमाम कानूनों को धता बताते हुए विजय जश्न में शामिल हैं और इसी बीच चुनाव आयोग ने तमाम थाना प्रभारियों को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। जिस थाना प्रभारी के इलाके में या जिस भी थाना क्षेत्र में इस तरीके का किसी प्रकार का विजय जश्न, विजय जुलूस निकाला जा रहा है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं चुनाव आयोग की कार्रवाई होने जा रही है। अब लिहाजा ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है और जश्न मना रहे हैं। कोरोना संघर्ष और कोरोना महामारी की चिंता वो कल के बाद करेंगे, लेकिन आज वह जश्न मना रहे हैं और शायद स्थिति यह बन पड़ी है कि कल से जब कोरोना संक्रमण के मरीजों के आंकड़े पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आना शुरू होगा, बहुत बड़ी चिंता का विषय बनने जा रहा है वो। सुरभि, ठीक है कुंदन जी। प्रशांत जी, आपसे अब इसी बात पर ये जानना चाहूंगी कि अक्सर ये देखा गया कि चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो क्योंकि या फिर अमित शाह की हम बात कर ले, कोशिश तो बीजेपी की तरफ से पूरी थी कि बंगाल में इस बार अपना परचम लहराना है, चूक का भी पता चल गया, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज थी जहां पर बीजेपी मात खा गई? लेकिन अगर ममता बनर्जी की तरफ से देखा जाए तो ममता बनर्जी का झुकाव जनता के बीच इतना तेज बढ़ा और उसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि हिंदूवादी कार्ड खेल करके बीजेपी यहां पर सत्ता पर काबिज शायद हो जाए, लेकिन वहीं क्या वो विक्टिम कार्ड था, क्या वो कास्ट जो एक अप्लाई किया गया था कि इमोशनल अगर हम कार्ड की बात करते हैं या फिर कास्टिज्म की बात करते हैं, तो फिर ममता बनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा फैक्टर था जो उनके लिए जादू कर गई? देखिये सुरभि, ममता बनर्जी को जिस तरह से बंगाल के नस नस से वाकिफ है ममता बनर्जी, वो जब तक बीजेपी के बड़े लीडर्स नहीं समझ पाएंगे तब तक
उनके लिए मुश्किल होगा ममता बनर्जी को पराजित करना। हालांकि आपको बता दें कि जब लेफ्ट उससे लगातार लेफ्ट की लड़ाई टीएमसी से होती रही है और ऐसे में लेफ्ट वहां के जो जमीनी जुड़ाव रहा है लेफ्ट का और लेफ्ट की भी जो पहुंच रही है उन जगहों पर रही है जहां तक टीएमसी की पहुंच है, लेकिन लेफ्ट अगर पराजित हो गया, लेफ्ट ने मैदान छोड़ दिया और मैदान में आप देखिए इस बार की उनका सुपरा साफ हो गया। उस कांग्रेस की भी आप बात कीजिए जो कांग्रेस लगातार पश्चिम बंगाल में लगातार वहां पर अपने वजूद में रही, लेकिन ज्योति बसु जब वहां पर मुख्यमंत्री बने तो लगातार पांच टर्म तक लगातार ज्योति बसु और उनकी पार्टी जब वहां पर सत्ता में रही तो उन्होंने कांग्रेस के वजूद को ही मिटा दिया और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहे वो तो बच गए, लेकिन उनके जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ शामिल कर दिया जो टीएमसी में शामिल हुए। अब आप समझ लीजिए इस बात को थोड़ा सा कि जब कार्यकर्ता आपके जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको आप लाभ पहुंचा रहे हैं, जिनको आपने सारी जिम्मेदारी दे दी है कि थाने में एफआईआर हो या घर का रंग रोगन हो या पानी का बोतल हो, ये सारी जिम्मेदारी वहां के टीएमसी के कार्यकर्ता के पास हो, तो ये बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी को और किसी भी राजनीतिक पार्टी को या राष्ट्रीय पार्टी को कि वहां तक पहुंच के अपने वजूद को कायम करना और उस बुनियाद में अपनी जड़ें गहरी करना। या तो बीजेपी भी लेफ्ट और टीएमसी की तरह ही काम करे, वहां मारकाट करे, गुंडागर्दी करे, जिस गुंडागर्दी के खिलाफ आज बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ने गई थी और उसकी कोशिश थी कि वहां ऐसी पारदर्शी सरकार दें जो आम जनता के लिए सोचे, आम जनता के हित के लिए फैसले ले, आम जनता के लिए फैसले ले। लेकिन जब वहां के जो खास एक वर्ग है, उस वर्ग जिसको कि हमेशा टीएमसी से प्रमोशन मिलता है, उसको प्रमोट किया जाता रहा है, वो ऐसे लोग हैं जो ना तो पढ़े लिखे हैं, जो ना तो कहीं से उनके राजनीति में रुचि है, उनकी रुचि है सिर्फ डंडे में, पिस्टल में, बॉम्ब में, और ऐसे लोगों को जब लेफ्ट से अपने पार्टी में जोड़ लिया ममता बनर्जी ने, तब ममता बनर्जी को हराने के लिए जो एक सार्थक कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई वो कोशिश है कि आज बीजेपी के पास, बीजेपी अभी तक के रुझान में 86 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। आप जरा गौर से समझिए इसको सुरभि, कि आसनसोल का इलाका हो, नदिया का इलाका हो, या इन सब जितने इलाके हैं, चाहे कलकत्ता के आसपास के जितने जिले हैं, चाहे उत्तर पारा का इलाका हो, चाहे आप सॉल्ट लेक के इलाके की बात कर लीजिए, इन तमाम इलाकों में आप जब आम प्रबुद्ध बंगालियों से बात करेंगे तो आपको लग जाएगा कि ममता बनर्जी के पक्ष में वो कितने हैं। हम ये नहीं कहने कि सारे के सारे लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तो फिर ममता कैसे जीत रही है। ममता की जीत के पीछे की वजह वही रही है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कर की तरह काम करते रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को जितना प्रमोट किया गया और उनको जितना प्रभोग किया गया कि वो दूसरे किसी पार्टी की जड़ें न जमने दें, और इसी का नतीजा है कि इस बार ममता बनर्जी लौट रही हैं, लेकिन आगे के चुनाव की भविष्यवाणी आज करना वैसे उचित नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए काफी मुश्किल होगी जब बीजेपी वहां पर 86 विधायकों के साथ मौजूद रहेगी, वहां पंचायत चुनाव हो, वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, तो वहां पर स्थितियां बदलेंगी और ये स्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। जब इस देश में कांग्रेस को कांग्रेस विहीन करने के लिए जब बाकी पार्टियों को इतनी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में मात्र 10 साल में किसी को हटा पाना बड़ा आसान काम नहीं था। लेकिन बीजेपी, मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी के एक पक्ष की बात में रख रहा हूं, मैं जो वहां की वस्तु स्थिति है, वहां की जो जमीनी हकीकत है, उससे आपको परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों को, कि वो जान लें कि पश्चिम बंगाल में एक भी अगर कोई खोमचा वाला हो, ठेला वाला हो, वो तब तक सड़क पर अपने सामान नहीं बेच सकता है जब तक कि वहां के टीएमसी कार्यकर्ता उसको परमिशन नहीं देते हो। जब हालात ये हो, इस हालात में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर अपना वजूद बनाने में, बचाने में कामयाब हो जाए, तो यह सबसे बड़े विजय की बात बताई जाती है। एक बात और सुर भी समझ लीजिए, हावड़ा का इलाका है,
आप वहां पर उत्तर पारा के इलाका है, वहां पर उससे जुड़े हुए जो हिंद मोटर्स के इलाके हैं, आप धर्मतल्ला की बात कर लीजिए, ये तमाम इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता के बिना परमिशन के आप एक कदम नहीं चल सकते हैं। आप अगर अपने घर में भी हैं तो अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी आपको पूछना पड़ता है। तो ऐसे में तो टीएमसी जीतेगी ही, ममता बनर्जी जीतेगी, लेकिन याद रखिए कि जो लेफ्ट पार्टी जिसके आतंक के बाद ममता बनर्जी का उदय हुआ था, जिस ममता बनर्जी ने अपने साड़ी खोल करके और लोगों को बताया था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उस बंगाल में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उस बंगाल में आम व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उस बंगाल में आम शहरी सुरक्षित नहीं है। आप समझ लीजिए, अभी आप कुंदन से आप सवाल कर रही थी कि जो वहां पर उत्साह मनाया जा रहा है, जब सरकार का सख्त निर्देश है, ये टीएमसी के कार्यकर्ता मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक ही आदमी का चलता है आदेश, वो आदेश है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी ने जश्न बनाने की इजाजत दे दी है। कोई चुनाव आयोग का वहां पर जो फरमान है वो लागू नहीं होने देगी ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को ये लगता है कि चुनाव आयोग भी नरेंद्र मोदी के जेब में है और बीजेपी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इस देश की सच्चाई ये है कि इस देश में सब स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं, उनके अपने संवैधानिक महत्व है, और ऐसे में जब उसके निर्देश की अवहेलना अभी से होना शुरू हो गया है तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद कर सकती हैं सुरभि। ठीक प्रशांत जी। कुंजन जी, अब आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि अगर एक तौर पर यह भी देखा गया कि जब पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी का नारा दिया, उसके बाद से अब जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद से, तो उसके बाद से यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम दिग्गज नेता है अन्य राज्यों से भी, वो भी अब ममता बनर्जी को बधाई देना ट्विटर के माध्यम से शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब तो टीएमसी की तरफ से उल्टा सवाल किया जा रहा है कि दीदी ओ दीदी कहने वाले दादा कहां है। तो अब जो बीजेपी की तरफ से चुप्पी नजर आ रही है, इस चुप्पी के पीछे का क्या कारण माना जाए? क्या वो आगे के लिए रणनीति अभी से तैयार करने में जुट गई है, या फिर अभी वो अपने आप को चुप रखना ज्यादा बेहतर समझ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपके सवाल का जो पहला अध्याय है उसके बारे में चर्चा कर ले कि आज की जीत के बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक शख्सियत है वह अब केंद्रीय राजनीति की तरफ घूमेगी, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसकी पृष्ठभूमि बननी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पूरे देश के तमाम गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं के ट्वीट और बधाई संदेश मिलने लगे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर से बात कर लें तो जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल से लेकर शरद पवार तक, अगर हम उत्तर से लेकर पश्चिम और पूरब तक की बात कर लें तो तमाम नेताओं के ट्वीट और बधाई संदेश ममता बनर्जी तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब ममता बनर्जी की राजनीतिक शख्सियत का एक आकार बड़ा होगा, और इस बड़े आकार में जो मैंने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि या तो यूपीए फोल्डर की बात कर लीजिए या तीसरे धड़े की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के चेहरे को काउंटर करने के लिए तीसरे धड़े या यूपीए के पास कोई भी चेहरा नहीं था, उस चेहरे की तलाश पूरी हो चुकी है। अब तमाम नेताओं का दौरा या तो कोलकाता होगा या ममता बनर्जी को दिल्ली बुलाया जाएगा, और एक ऐसी रणनीति पर, एक ऐसी भावी योजना पर काम करेंगे ये तमाम विपक्षी गैर बीजेपी दल जो हैं, जो आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के चेहरे के विकल्प के तौर पर ममता बनर्जी को पेश किया जाए। उसके बाद दूसरे अध्याय की बात कर ले, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 200 प्लस का नारा दिया था, तमाम संसाधनों के साथ ये चुनाव लड़े जा रहे थे और इस बात की अपेक्षा की जा रही थी कि इस बार मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर कांटे की होगी, वो चाहे एग्जिट पोल के नतीजे ले ले या जनता की राय, मतदाताओं की बात कर लें, तमाम तरह से यही रुझान आ रहे थे कि मुकाबला कांटे का होगा। सरकार बनाने तक की भी बातें शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, इतने कंफर्टेबल मार्जिन के साथ विक्ट्री होगी। अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चूक हुई है, उसका पछतावा जरूर होगा। अनौपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब यह मानना भी शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक शख्सियत को पेश नहीं किया गया,
गया, उसका भी एक बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी पर जो चौतरफा आक्रमण किए गए, वो खेला होबे या खेला शेष होबे, दीदी ओ दीदी, माँ माटी मानुष की लड़ाई बात नहीं होगी। अब इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात है मथुरा समुदाय और मुस्लिम, इन दो लोगों पर जिस तरीके से बीजेपी ने फोकस करने की कोशिश की, मुस्लिम समुदाय के वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई कि पीरजादा और ओबीसी के बीच में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, उससे ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही मथुरा समुदाय की जनसंख्या जो लगभग 17.4% है, 70 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी बहुलता है और वह तय करते हैं कि वहां से चुनकर कौन जाएगा। उस पूरे समुदाय को स्थानीय नागरिकता और राष्ट्रीयता की बात कहकर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने पाले में करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला जमा नहीं और स्थिति यह हो गई कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जिन 206 सीटों पर अभी टीएमसी लीड करती हुई दिख रही है, मामला यहां तक निकलकर सामने आया है कि मथुरा समुदाय और मुस्लिम वोटरों ने एक मत होकर टीएमसी को अपना वोट दिया है और शायद उसके नतीजे इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों में एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है। मैं चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा इस सवाल का जवाब दें, ममता बनर्जी का कद बड़ा हुआ है, पीके प्रशांत किशोर के बारे में प्रशांत जी आपसे कमेंट चाहूंगा, क्या प्रशांत किशोर का भी कद बड़ा होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जितने दावे के साथ एक राजनीतिक भविष्यवाणी की थी और एक बहुत बड़ा खुला चैलेंज दिया था, वहां पर वह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर का भी कद बड़ा होगा जिस तरीके से ममता बनर्जी का कद बड़ा हो रहा है? देखिए कुंदन, प्रशांत किशोर सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका काम ही है कि वो आंकड़े इकट्ठा करना और उसको उन आंकड़ों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्ट्रेटेजी तय करना, एक सेफोलॉजिस्ट का यही काम होता है। और प्रशांत किशोर जब पश्चिम बंगाल में पिछले 4 सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्होंने वहाँ का एक एक आंकड़ों को जुटाकर और ममता बनर्जी के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई, अब आने वाले दिनों में जो दूसरे चुनाव होंगे उसमें उनको, प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा, दूसरे राजनीतिक पार्टियों से मिलेगा। जैसे आपको याद ही होगा कि पंजाब चुनाव में भी उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया था और वहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने बढ़त दिलाई थी और वहाँ के स्ट्रेटेजी जो पंजाब को जो जमीनी हकीकत थी उसको लेकर के उन्होंने वहाँ तैयार किया था। प्रशांत किशोर एक सेफोलॉजिस्ट हो करके अब वो राजनीतिक अपने छवि नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक छवि के बाद जो नुकसान होता है वह नुकसान वो बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद भुगत चुके हैं। अब वो सेफोलॉजिस्ट के तौर पर ही रहेंगे, भले ही ममता बनर्जी उनको अपने साथ अपने एडवाइजर के रूप में रख लें, केंद्रीय मंत्री का दर्जा दे दें उनको, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर की अब निगाह जो है, अब आने वाले दिनों में जैसे यूपी चुनाव है ऐसे ही जो और चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर को जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि उनको शुरू में ही जोड़ लिया जाए ताकि उस इलाके के लिए जो वो स्ट्रेटेजी प्लान करें उस स्ट्रेटेजी पर वो पार्टी चुनाव लड़े और वो जीत हासिल करें। कुंदन, ठीक है, बात है, अगर हम बात करें 2022 में जी सर सवाल कर लीजिए। जाहिर सी बात है सर कि जिस तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं और पंजाब में ये पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की पसंद क्या हो सकती है, उत्तर प्रदेश या पंजाब, किस राज्य को वो ज्यादा अपनाना बेहतर समझेंगे? क्योंकि एक चीज है, प्रशांत किशोर ने अपना अपनी जो एक मार्केट वैल्यू है उसको दोबारा नहीं तिबारा एस्टैब्लिश किया है और आज की तारीख में अगर इस बात को कहा जाए कि प्रशांत किशोर अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने जाकर ममता बनर्जी को इस चुनाव में जीतने में, चुनाव को जीतने में और इतने बड़े मार्जिन से जीतने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अब उनकी मार्केट वैल्यू और उनकी कमर्शियल वैल्यू दोनों बढ़ जाएगी
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब किसका चुनाव करना वो बेहतर समझेंगे? आपको कुंदन ये समझ लेना चाहिए कि प्रशांत किशोर एक सेफोलॉजिस्ट होने के साथ साथ उनके अंदर जो कुछ इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को भी वो पूरा करना चाहेंगे। और आप जैसा आपने सवाल पूछा है तो आप जान लीजिए कि जब वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने काम किया था 2014 में और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट मिला उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद जो इनकी इच्छा थी प्रशांत किशोर की वो पूरी नहीं हुई और उनको अलग हो जाना पड़ा। अब उनकी कोशिश ये जरूर है प्रशांत किशोर की कि उत्तर प्रदेश में वो या तो अखिलेश सिंह यादव के साथ जाएं या फिर मायावती के साथ जाएं या फिर कांग्रेस के साथ जाकर के योगी को पराजित करें ताकि नरेंद्र मोदी को वो झटका दे सकें। देखिए कोई भी सेफोलॉजिस्ट होता है उसकी बड़ी इच्छाएं होती हैं। उनके सामने में चूंकि वो पंजाब का चुनाव पहले से प्लान कर चुके हैं तो उसके लिए उनके लिए प्रशांत किशोर के लिए पंजाब जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगर वो योगी को पटकनी देने में कामयाब हो जाते हैं तो यह आप मान लीजिए कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर सिर्फ एक सेफोलॉजिस्ट नहीं होंगे बल्कि इस देश के सबसे बड़े रणनीतिकार और राजनीतिकार हो जाएंगे। और वही वो चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा है कि पूरे देश में वो जैसे चाहे वैसे राजनीति का रुख मोड़ दें। कुंदन, प्रशांत किशोर के अलावा एक सवाल प्रशांत जी कि क्या लगता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली की तरफ रुख करेंगी या अभी पश्चिम बंगाल में रुकेंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की अब जिस तरीके से बधाइयों का तांता लग रहा है नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जिस चेहरे की तलाश हो रही थी एक लंबे अरसे से वो शायद अब विपक्षी पार्टियों को या गैर बीजेपी दलों को वह चेहरा मिल गया है, तो इसकी कितनी संभावना बनती है कि अब ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ कूच करेंगी? आपको कुंदन थोड़ा सा और बैक में जाना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि जब ममता बनर्जी को लेकर के तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे और उसको ये माना जा रहा था कि ममता बनर्जी को अपने अग्रिम पंक्ति का नेता बना करके, उस समय नीतीश कुमार भी एनडीए से अलग थे और सब मिला करके एक प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि ममता या नीतीश और इनको लेकर के देश में बीजेपी और मोदी के खिलाफ एक रणनीति बनाई जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि जब मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के बीच में जो वार्ता हुई थी और उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी बिदक गई थी और उसके बाद वो सिर्फ बंगाल में अपने को सिमटा के रह गई, और उसी के बाद नवीन पटनायक को भी आपको याद करना पड़ेगा जो वो उड़ीसा से अलग उन्होंने कहीं कभी भी दिल्ली की तरफ रुख नहीं किया और वो लगातार वो उड़ीसा में ही रह गए। उसी तरह जहां तक मेरा आकलन है कि ममता बनर्जी अभी दिल्ली का रुख तो नहीं करेंगी लेकिन बंगाल में कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग से बैठे बैठे वो नरेंद्र मोदी पर निशाना जरूर साधती रहेंगी ताकि नरेंद्र मोदी को इसका एहसास दिला सके कि उनकी तमाम ताकत को उन्होंने बंगाल में पराजित किया है। कुंदन, प्रशांत सर एक सवाल यह है कि ममता बनर्जी के जीत की कई वजहें हैं जो हम सीधा देख पा रहे हैं, वो चाहे माँ माटी मानुष की बात कर लें या जो भी वजह सामने निकल कर आ रही है जिस तरीके से मथुरा और मुस्लिम समुदाय को उन्होंने एक करके रखने की कोशिश की, साथ ही साथ जो दलित और हरिजन और निचले तबके के लोग हैं उनके साथ उन्होंने एक कॉन्टैक्ट एक संपर्क बनाकर रखा है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक बड़ी जीत है लेकिन जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था 200 सीटों का
अभी की तारीख अभी के समय की अगर बात कर लें तो 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में 200 के लक्ष्य तक भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं पहुंच पा रही है या सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है, उसकी क्या मुख्य वजह है जो जिम्मेदार है ममता बनर्जी को आगे बढ़ाने में, या भारतीय जनता पार्टी आज जहां पर खड़ी है लगभग कह सकते हैं 60 सीटों के अंतर पर फासले पर खड़ी है सरकार बनाने के। देखिए ये आपने बहुत बहुत बढ़िया ये सवाल भी है और लोगों को ये बताना भी चाहिए अपने दर्शकों को, लेकिन इसकी चर्चा आपने पहले ही लोगों को बता दिया है कि पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज के नाम पर अभी क्या है, वहाँ अब हिंद वाटर नहीं है, जूट कारखाना वहाँ बंद हो गया है, जिस जूट के बारे में ये कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल इसीलिए आई थी कि वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री दिखती थी और उसी इंडस्ट्री में के सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और उसके बाद वो पूरे भारत पर शासन व्यवस्था करने लग गई थी। आपको और थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब लगेगा कि जब लेफ्ट पार्टी वहाँ पर शासन व्यवस्था में रही और 20-25 सालों तक रही लगातार, उस दौरान भी वहाँ की जो जितने भी इंडस्ट्री थे धीरे धीरे उनकी मौत होने लगी, कामगार वहां पर बेरोजगार होने लगे। ममता बनर्जी जब आई और उन्हीं लोगों को लेकर के जब उनके मुद्दे को लेकर के उन्होंने लड़ना शुरू किया और अपना उन्होंने वजूद वहां पर एक बुनियादी वजूद एस्टेब्लिश किया और उसके बाद जब लोगों ने भरोसा किया ममता बनर्जी पर तो ममता बनर्जी ने भी पूरे 10 सालों में कहीं से भी एक बड़ा कारखाना नहीं खड़ा होने दिया। आपको याद होगा, आप सिंगरूर की बात कर लीजिए, आप पूरे कलकत्ता के आसपास की ही बात कर लीजिए, लेकिन तमाम जगहों पर जिस तरह से विरोध किया गया, केंद्रीय जो भी बाहर के बड़े व्यवसायी आना चाहते थे उनका विरोध किया गया और वहाँ जो भी इंडस्ट्री थी धीरे धीरे तिल तिल कर उसकी मौत हो गई। अब क्या है कि वहाँ के कामगारों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया कि वहाँ के कामगार अब दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर गए, चाहे वो छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, और एक कामगार के तौर पर वो पूरे देश में फैलने शुरू हो गए। ममता बनर्जी का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके उनको लोगों ने जिस तरह से गद्दी पर बिठाया था उसका मकसद था लोग वहाँ पर डेवलपमेंट चाहते थे, क्योंकि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी और जिस तरह से उन्होंने रेलवे के लिए काम किया था तो लोगों को एक उनके प्रति आकर्षण बढ़ा था कि वो अगर बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो निश्चित तौर पर बंगाल एक सुनहरे भविष्य की तरफ जाएगा और सुनार बंगला हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया और यही वजह है कि बीजेपी को वहाँ पर अपना पैर वहाँ पर जमाने में मौका मिल गया, नहीं तो वो स्थिति कभी नहीं आती। वहाँ पर बंगाल की तरफ बीजेपी को रुख नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी डेवलपमेंट करती होती, लेकिन आप देखिए कि वही बंगाल है, उसका पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा के लोगों को आपने कभी सुना कि वो किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं? वहाँ इंडस्ट्री बिठाई गई, वहाँ इंस्टीट्यूशंस बिठाए गए, वहाँ डेवलपमेंट किया गया और आज नवीन पटनायक वहाँ के लिए अपने पिता की तरह एक देवता के रूप में उभर के आ गए हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। आज वहाँ बंगाल में चाहे लेफ्ट पार्टियाँ हों, चाहे कांग्रेस हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे बीजेपी ही गई है वहाँ, आपस में सब लड़ रहे हैं, लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं वहाँ पर खड़ी हो पाई। और आप जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने वहाँ के जो धड़कन कहा जाता था मेट्रो, उस मेट्रो में भी अपने राजनीति को घुसा करके वहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं होने दिया गया। आप वहाँ से आप एक छोटा सा जगह है कंटाप, आप हावड़ा से कभी कंटाप जाइए किसी बस से और वहाँ की स्थिति को देख के आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या स्थिति है। बड़े बड़े होटलों की तरफ देखेंगे तो लोग कहेगा कि ये टीएमसी का होटल है। आप समझ सकते हैं कुंदन कि अगर बीजेपी कहीं चूक गई है बंगाल में तो उसके पीछे है कि वहाँ पर जो उसका अपना लोकल मैनेजमेंट था उसमें चूक हुई है, क्योंकि लोकल मैनेजमेंट जब तक बीजेपी वहाँ नहीं कर पाती तब तक वहाँ पर जितना मुश्किल है, आज अगर लेफ्ट के लिए सबसे बड़ा मुश्किल है तो वही है कि उसके सारे कैडर टीएमसी के कैडर बन चुके हैं और ऐसे में उसको वहाँ पर अपना वजूद बचा
बचाना मुश्किल हो रहा है। आज सुपरा साफ हो गया है, कांग्रेस ले दे के दो सीटों पर अपना वजूद तो बचा रही है, लेकिन आप बीजेपी को इसलिए थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने टक्कर दिया है ममता बनर्जी को, भले ही वो शासन के पास पहुंचते पहुंचते वो चूक गई है। वो कहावत भी है कि होठ तक आते आते प्याली जो है वो चाय की प्याली टूट जाती है, तो वही स्थिति हुई है कि जो वोटर्स हैं उसको जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि जो संप्रदाय हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, इन तमाम वोटरों को पोलराइज किया गया, उनको ये कहा गया कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो इस या इस पूरे बंगाल में वहाँ पर हिंदुत्व कायम हो जाएगा, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा, CA NRC की तरह उनके जितने भी वहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको वापस कर दिया जाएगा, यह खौफ पैदा किया गया। और इस खौफ का ये नतीजा है कि सारे वो वोट पोलराइज हो गए और एक मुश्त एक पार्टी के पक्ष में गए, और यही है ममता बनर्जी की जीत की वजह। कुंदन प्रशांत सर, एक सवाल लगे हाथ, 44 सीट पर कांग्रेस थी, 26 सीट पर CPIM था, एक सीट पर CPI थी, कुल 71 सीटों पर वामपंथी दलों और कांग्रेस का कब्जा था। आपको क्या लगता है, हमने बीजेपी की चर्चा कर ली, हमने TMC की चर्चा कर ली, आपको क्या लगता है वामपंथी दल और कांग्रेस दोनों मिलकर इस बार चुनाव मैदान में साथ उतरे थे, इनके इतनी सुपड़ा साफ होना जिसे कहते हैं सफाया हो जाना, इनके सफाया होने की क्या वजह नजर आती है? क्या जनता ने केवल TMC और बीजेपी के बीच में अपने मतों को बांटा है, या फिर इनसे किसी खास बात को लेकर नाराजगी थी कांग्रेस और वामपंथी दलों से? देखिए कुंदन, आपने अपने सवाल में ही पूरे जवाब दे दिए हैं। ये पूरा का पूरा मतलब ये था इस बार का कि इस बार बंगाल की जनता के सामने में और जो बाकी आपने लेफ्ट की चर्चा की है और कांग्रेस की, इसके कैडरों के बीच में इसके नेताओं ने अघोषित तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया था कि अगर बीजेपी बंगाल के शासन में आ जाती है और ममता बनर्जी शासन से दूर हो जाती है तो बीजेपी से निपटना आसान होगा, क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रवादी पार्टी किसी भी स्तर पर निचले स्तर पर जाकर के वहां के शासन व्यवस्था में वो घुसने की कोशिश नहीं करेगी। जबकि ममता बनर्जी से लड़ना लेफ्ट के लिए और कांग्रेस के लिए बंगाल में बहुत मुश्किल था। तो आपको बता दें कि ये एक जो जानकारी है, जानकारी के मुताबिक जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, जो बड़े लीडर्स थे लेफ्ट के, तमाम CPI CPM फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तमाम के जो लीडर्स थे, इन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और अपने कैडर्स को इन्होंने कहा था कि आप बीजेपी को वोट करो, भले हमारा वजूद खत्म हो जाए, हम आगे अपने आप को यहां पर पुनर्वापसी कर लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए आप बीजेपी को मदद करिए। आप देखिएगा कुंदन कि बीजेपी क्या जो वोट बढ़ा है और उसके जो सीटों की संख्या जो अभी आंकड़ों जो रुझान के मुताबिक बढ़ रहे हैं, ये उतने ही बढ़ रहे हैं जितने कि कांग्रेस और CPI CPM फॉरवर्ड ब्लॉक के पास थे। यानी कुल मिला के उनके कैडर्स तो आ गए बीजेपी में, आम लोगों के वोट कम मिले। आम लोगों का मतलब मेरा ये कहना है कि जो पोलराइजेशन वोट है, जिसके लिए अमित शाह वहां पर जाके भोजन कर रहे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे, खास संप्रदाय के घर में जा रहे थे, जिस तरह नरेंद्र मोदी उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे उनसे मिलने के लिए, उस संप्रदाय के जो सबसे बड़े लीडरान हैं और उसके जो बड़े महंत हैं उनके पास जा रहे थे, उन लोगों ने बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया और यही वजह है कि उनके वोट जब बीजेपी को नहीं मिले, जो लगभग 3.5-4 करोड़ उनकी आबादी है और उनके वोटरों की संख्या है, वो वोट अगर बीजेपी के पक्ष में पाले में चला आता तो निस्संदेह ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होता, लेकिन उन लोगों ने ममता बनर्जी पर ज्यादा भरोसा जताया है और बीजेपी पर कम भरोसा जताया, यही वजह रही कि ममता बनर्जी को वहां के शासन से हटाने में बीजेपी चूक गई है। कुंदन
प्रशांत जी, अब चूंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ चार अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन उस बीच में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा हम छोड़ चुके हैं, उस पर भी बात करना जरूरी है। झारखंड के एक सीट मधुपुर में भी उपचुनाव हुआ था 17 अप्रैल को, आज उसके भी मतों की गिनती जारी है और अभी तक के जो परिणाम आए हैं, जिस तरीके से नंदीग्राम हॉट सीट बना हुआ था, नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में सह और माप का खेल जारी है, कांटे का टक्कर चल रहा है, वही स्थिति झारखंड के मधुपुर उपचुनाव की भी बनी हुई है। कुल 24 राउंड की गिनती में 10 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है। जेएमएम के उम्मीदवार हफीजुल हसन अंसारी, जो कि महागठबंधन सरकार में मंत्री भी हैं, वह 1,000-1,500 के आसपास मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के गंगा नारायण से आगे चल रहे हैं। प्रशांत जी, मैं चाहूंगा मधुपुर उपचुनाव में आपको क्या लगता है, किस उम्मीदवार की जीत वहां पर दिख रही है, क्योंकि 10 राउंड की गिनती अभी तक हो चुकी है, 24 राउंड की गिनती होनी है और जिस तरीके से पहले राउंड से लेकर अब तक बिल्कुल कांटे का मुकाबला चलता आ रहा है, जहां पर एक समय ऐसा भी था कि हफीजुल हसन अंसारी लगभग 7,000 मतों से पीछे चल रहे थे, अब उन्होंने लगभग 1,500 मतों का बढ़त बना लिया है, क्या लगता है मधुपुर के नतीजे किस तरीके से सरकार को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए कुंदन, जब राज्य में उपचुनाव होते हैं तो उसके लिए जो आम वोटर की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्कुल साफ होती है, बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है। उसमें ये होता है कि वोटर कभी नहीं चाहता है कि उस इलाके के में विपक्षी दल जीत जाए ताकि वहाँ पर विकास कार्य अवरुद्ध हो जाए। आप जान लीजिए कि आपने बताया कि मधुपुर में जिस तरह से शुरू में बीजेपी लीड कर रही थी, बाद में जेएमएम ने लीड करना शुरू किया, भले ही अभी मतों की संख्या कम है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो वोटर होते हैं, कैडर वोटर तो अपनी पार्टी को ही वोट देते हैं, लेकिन जो आम वोटर होते हैं, जो कैडर नहीं होते हैं, वो सिर्फ वोटर होते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो सरकार के खिलाफ वोट ना करें। अगर हेमंत सोरेन झारखंड में बेहतर काम कर रहे हैं तो उसका फायदा उनको मधुपुर में मिलेगा और मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके कैंडिडेट वहां पर लीड कर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है। और एक बात और जान लीजिए कि जो भी वोटर होते हैं उसमें से खास करके सबसे ज्यादा वोट करने वाला यूथ वोटर होता है और जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो सबसे अधिक होता है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ वोटर होता है वो चाहता है कि उसका आइकॉन, उसका जो लीडर है वो बिल्कुल यूथ हो। और हेमंत सोरेन के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आम लोगों से मिलने जुलने वाले लोग हैं, और मधुपुर चुनाव में हेमंत सोरेन का इसलिए वहां पर बाजा बजेगा, वहां पर जीत की उनको सेहरा मिलेगा, क्योंकि वो सत्ता में भी हैं और यूथ उनके साथ है, वहां के लोग उनके साथ हैं, भले ही बीजेपी के जो कैडर हैं वो वोट बीजेपी को जरूर जाएगा, लेकिन जीत जहां तक अभी तक के जो आकलन है और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जेएमएम की ही जीत हो पाएगी वहां से भी। कुंदन प्रधान जी, हेमंत सोरेन जब मधुपुर उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान संभाले हुए थे तो वहां पर उन्होंने जनता से अपील की कि आप इस बार एक विधायक नहीं एक मंत्री को चुनेंगे और इसीलिए हफीजुल हसन अंसारी को आप अपना वोट दें। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री की इस अपील का असर पड़ा होगा वहां के वोटरों के बीच में कि वो सही में एक विधायक नहीं एक मंत्री को चुनकर भेज रहे हैं, क्योंकि हफीजुल हसन अंसारी ऑलरेडी महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुंदन, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कोई आम विधायक आप चुनने नहीं जा रहे हैं, आप एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं, तो आम वोटरों के मन में एक बात सीधे तौर पर आ जाती है कि अगर यह मंत्री जीत के जाएंगे तो अपने इलाके के लिए वो काम करेंगे और उनकी बात सुनी जाएगी, तो वोटर इस लोभ में होता है कि मंत्री खुद उसको पहचाने। एक विधायक के पास वो शक्ति नहीं होती है कि वो इलाके का डेवलपमेंट करा सके,
क्योंकि विधायककोट इलाके का डेवलपमेंट कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना होता है और उसे चिरौड़ी करनी पड़ती है। लेकिन एक मंत्री जब होता है तो मंत्री सरकार है, सरकार का अंग है, तो सरकार के अंग को जिताने के लिए वोटर जरूर दृढ़ होते हैं और वोटर ये चाहते हैं कि उनके इलाके का जो प्रतिनिधि है वो सरकार में मंत्री है और वो उसको व्यक्तिगत तौर पे जानता है, ये बड़ी बात होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हेमंत सोरेन ने वहाँ जनता से अपील की, वोटरों से अपील की कि आप सीधे मंत्री को आप चुनाव जिता रहे हैं क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होकर के मंत्री होने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि मंत्री बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आम वोटरों का जो मन होता है वो चाहता है कि अपने मंत्री को हम जिता दें ताकि ये मंत्री कंटिन्यू करें। और यही वजह है कि मधुपुर में जेएमएम का पलड़ा भारी है और बीजेपी वहां कमजोर पड़ गई है। कुंदन, चलिए ठीक है, प्रशांत जी और कुंदन जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। दरअसल हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, इसी वजह से हमें इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। लेकिन जीत किसकी होती है, किसका परचम बंगाल में लहराता है, वो तमाम आंकड़ों के साथ साथ हम आपको वो खबर भी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।